हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न समझाइए जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर आए। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाले हैं, जो आप लोगों का 27 फरवरी को मैथ का पेपर है ना, 27 फरवरी को यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड परीक्षा 2024 में ये क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, चार नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 2020-22-23 में आया हुआ है। देखो, अगर आप √3 सीख जाओगे तो आप √5 भी इसी के साथ सीख जाओगे, √7 भी सीख जाओगे, √3 आपका हुई कि √2 सारे सीख जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक को समझ गए तो। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही तरीके से आपको सारा करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाता हूं, हाल आप लोग समझो कि आपको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वैसे आपको पता है कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें इसको प्रूव करना है। तो आप इसका उल्टा मान लो कि माना कि जो हमारा √3 है ना, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर आप ये मान लोगे कि हमारा √3 जो है एक परिमेय संख्या है, जैसे हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन पहले हम उल्टा मानेंगे उसका एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 को हम लोग, देखो √3 को है वो हम लोग a/v के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हटा देना है, फिर बटे एक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, √3 को हम लोग a/v के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट यहां जो हमारा a और v है, जहां जो a है तथा v, वो क्या है, वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है या संख्याएं हैं, कुछ भी लिख सकते हो, संख्याएं लिख दो। ठीक है, बट यहां जो q की वैल्यू होनी चाहिए, या फिर v यहां है ना, तो v की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट को समझो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कि √3 का वर्ग एंड बराबर a/v का वर्ग, तो a/v और √3 का वर्ग करोगे तो √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, और a/v यानी कि a²/b² हो जाएगा। ठीक है, a²/b² हो जाएगा, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं b² बराबर a²/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको क्या करो, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, और यहां आप लिख सकते हो कि, ध्यान से समझना, एक आपको थ्योरम लिखना है कि जो 3 है, अगर a², देखो ये 3 नीचे है और a² ऊपर है, तो अगर 3 जो है a² को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपका थ्योरम है जो परिमेय नंबर फर्स्ट है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे ना कि यहां जो है, तब हम लोग क्या मान लेंगे, ध्यान से समझो, पेन चेंज करते हैं, तब जो a है ना, a बराबर हम 3m मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं √3, अगर √5 होता तो यहां 5m मान लेते, √2 होता तो यहां 2m मान लेते, लेकिन हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं, √3, तो लिख सकते हैं। ठीक है, और m क्या है, m कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा,
आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा पूरा अंक है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको ये मान लिए तो यहाँ आप देखो a की वैल्यू यहाँ रख दूँ, जैसे हमारा वी स्क्वायर है बटे में a की जगह आप क्या रखोगे 3m का स्क्वायर कर दो, बटे में आपका 3 है, ठीक है। अब यहाँ बी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 3 × 3 = 9। तो यहाँ से अगर हम m स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर के नीचे 3 आ जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ भी लिखना है, जैसे आपने यहाँ लिखा ना, देखो a स्क्वायर के नीचे आपका 3 था, वैसे v स्क्वायर के नीचे 3 है, तो सेम ही लिखना है जो आपने लिखा था। अगर 3 v स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर 3v² को विभाजित करता है तो 3v को भी विभाजित करेगा, 3b को भी विभाजित करेगा, बस सेम प्रोसेस। अब ध्यान से समझो, अगर हमने इसको सहअभाज्य संख्याएं मानी थी ना, तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF ओनली 1 होता है, लेकिन यहां हमारा दोनों का जो उभयनिष्ठ कॉमन है और v का 3 है, यानी कि 3 है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो हम कह सकते हैं ये आपका समीकरण फर्स्ट या आपका समीकरण सेकंड, तो ये हमारा कोई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 से ज्यादा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हम हमारा समीकरण ये फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है, इसमें हमारा 3-3 कॉमन है ना दोनों में, तो देखो से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर आपको परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अतः यह परिकल्पना गलत है। तो आप लिख सकते हो अतः जो √3 है 1 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, अपरिमेय संख्या बस हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो आप लोगों का 27 को पेपर है, ठीक है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं, ठीक है, ताकि आप लोग पूरा सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, तो जल्दी से तैयार कर लो इसको, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, देखो दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, हल समझो, सबसे पहले आप मान लो, माना जो दहाई का अंक है, क्या दहाई का अंक, दहाई का अंक आप x मान लो, ठीक है, पीछे से हम लोग मानेंगे दहाई का अंक x, तथा इकाई एक्स वाई कुछ भी अलग इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक हम लोग क्या मानेंगे, y, ठीक है। अब दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या में अंक पता है तो इकाई दहाई, देखो इकाई हमारा वाई है तो इकाई और प्लस दहाई, दहाई हमारा एक्स है तो 10x हो जाएगा, क्योंकि दहाई में हम 10 जोड़ेंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंक उलट दिए जाए, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंक बदलोगे तो x की जगह y की जगह x कर लो, सेम ही प्रोसेस है, तो इतना हो गया, ठीक है। अब दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे प्रश्नानुसार, अगर हम क्या करेंगे कि जो x है और प्लस y है, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 9 है, ये हमें मिल जाएगा जो पहला नंबर समीकरण, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगा, ए, ठीक है, पहला समीकरण, तथा
अंक उलटने पर भी हमें प्राप्त संख्या है और दो अंकों की संख्या भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो ध्यान से यहां लिखा हुआ, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अगर हम इनके अंक जो है वो पलट दें तो पलटने वाला अंक हमारा क्या है, 10y और प्लस एक्स, और ये बराबर कर देंगे 10x प्लस वाई। लेकिन हमारा ये 27 अधिक है, इसलिए हमें बराबर करने के लिए इसमें 27 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग x इधर है, यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ प्लस 10y है, इधर लाओगे y को माइनस वाई, ये y कर देना, माइनस y हो जाएगा, इधर हमारा बराबर 27, ठीक है। यहाँ से आप x में से 10x घटाओगे तो माइनस 9x हो जाएगा, और प्लस 10 में से y घटाओगे तो हमारा 9y हो जाएगा बराबर 27, ठीक है। यहाँ से 9 से भाग दे दो सारे में तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा बराबर 9 3 27, ठीक है। तो ये हमें मिल गया दूसरा नंबर समीकरण। बस दोनों समीकरण मिल गए तो अब क्या ही करना है, दोनों समीकरण आपको मिल ही गए हैं। तो अब आप लोग समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ लो, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर अब जोड़ लो। देखो हमारा समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। यहाँ से एक कट जाएगा, यहाँ से हमें 2y मिलेगा बराबर 9 3 12। अब y बराबर हमारा 12/2 बराबर 6। y की वैल्यू जो हमें मिला है वो 6 मिला है, कितना मिला है y की वैल्यू हमें कितना मिला है माय डियर स्टूडेंट, 6। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, आपको x की वैल्यू निकल आएगी। y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक जो है वो देखो, समीकरण एक हमारा x प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक है। तो y की वैल्यू जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 6 मिला है ना, तो यहां 6 है तो यहां 6 रख दो y के स्थान पर बराबर 9। x बराबर 9 में से आप 6 माइनस कर लो, x बराबर आपका 3 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या हमें क्या मिलेगा, संख्या हमारा 10x प्लस वाई था, तो इसको आप वैल्यू रख दो, 10x की जगह आप क्या रखोगे, x की जगह 3 प्लस वाई, वाई की जगह आप क्या रखोगे, y की जगह आप 6 रख देना, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 36 आंसर, ठीक है। 36 आपका सही आंसर हो जाएगा संख्या, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले में रखोगे तो आपको 27 ज़्यादा मिलेगा, अगर आप इसमें रखोगे तो आपको 27 ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये हमें बदलने पर, चाहे मैं प्रैक्टिकल दिखा दूँ, जैसे हमारा 10y है प्लस एक्स है, वाई के स्थान पर आपको 6 रखना है प्लस एक्स के स्थान पर 3, तो 60 3 63 आपका यहाँ मिला 63, ठीक है। यहाँ हमारा 36 है, 63 में से 36 घटाओ, 13 में से 6 गए, 7 6 13, और यहाँ हमें बचेगा 5 2, 27 ज़्यादा है ना, ठीक है। तो सेम ही, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर की जांच भी हो गया, तो हमें 36 मिलेगी इसकी संख्या, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही लॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रेलगाड़ी वाला, क्योंकि रेलगाड़ी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लगाओगे, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आप क्या मानोगे कि माना जो रेलगाड़ी की औसत चाल है वो x है, या फिर माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी की औसत चाल वो कितनी है, x है, ठीक है, x है। अब देखो यहां आप लोग एक सूत्र याद रखना, समय का, समय
समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ठीक है, क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा कर लेना, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, एच हावर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय की चाल आपको पता चल गया। अब देखो हमें क्या लिखा है कि 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर, 300 ये हमारा क्या है दूरी है ना, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब समय आपको पता है दूरी बटे क्या है, दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारा 360 है और चाल हमारा कितना है, चाल हमने माना है एक्स, ठीक है, ये घंटा, समय का मात्रक घंटे में लेना है, सेकंड में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो यदि यह 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल अधिक हो जाए, ठीक है, तो चलो हम लोग इसको भी अधिक करते हैं। यदि जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, इतना अधिक हो तो चाल क्या हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, आपका एक्स था इसमें प्लस 5 कर लो, ठीक है, एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इतना समझ में आया, तो लगा समय। अब हमें लगा समय ज्ञात करना है, तो तब लगा समय जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा 360 बटे में एक्स प्लस 5 घंटा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार देखो, तो उसी यात्रा तय करने में 1 घंटा कम समय लेते हैं, कम का मतलब आपको माइनस कर देना है, जो आपका पहला था 360 बटे में एक्स जो था वो माइनस कर देना है 360 बटे में एक्स प्लस 5, अगर ये कम लेती है तो 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा कम लेती है तो माइनस कर दो, ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ आपका इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 360 एक्स हो जाएगा, फिर इसका इससे होगा तो आपका 360 गुणे 5 यानी कि 1800 हो जाएगा, एंड माइनस इसका इससे होगा तो 360 एक्स हो जाएगा बटे में, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे तो 5x हो जाएगा बराबर 1, 360 प्लस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये 1800 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना बराबर 0, ये आपको एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है, एक क्या मिल जाएगा समीकरण। अब अगर आपका फैक्टर बनता है तो बना लो, वरना फिर आप लोग श्रीधराचार्य जी के सूत्र से आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा, ठीक है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाओ, तब आप लोग एक सूत्र लगा दो, किसका, श्रीधराचार्य जी का सूत्र जो होगा, एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो एक्स बराबर माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यही वैल्यू रख दो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि यहाँ आगे कुछ है नहीं, वी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू माइनस 1800 है, बस यही वैल्यू रख दो, ठीक है, एक्स हमें याद करना है, वी की वैल्यू माइनस 5 है, मतलब प्लस 5 है लेकिन यहाँ माइनस है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू माइनस 1800 सी की वैल्यू, ठीक है, सॉल्व करो माइनस 5 प्लस माइनस ये हमारा 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपका 1800 गुणे 4 माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, 1800 गुणे 4 हमारा 7200 हो जाएगा, और बटे में हमारा ये देखो 2 है इंटू ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपका माइनस है 5 और यहाँ प्लस माइनस, ये एड हो जाएगा तो आपका 7225 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, तो 7200 है, 7200 में 25 जोड़ेंगे 7225 हो जाएगा बटे में 2, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 का जो होगा वो 85 हो जाएगा रूट बटे में 2। अब देखो एक बार आपको प्लस वाला लेना है एक बार माइनस वाला, तो आप एक बार प्लस लो धनात्मक चिन्ह लेने पर,
धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो आपका एक बार माइनस और एक बार प्लस लोगे 85 और बटे में 2, तो ये आपका हो जाएगा 80 बटे 2, 80 ही तो हो जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा 40। ठीक है, अब ऋणात्मक चिन्ह एक बार लेना है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह अगर आप लोगे तो यहाँ -5 है, -85 है, बटे में 2 है, -90 बटे में 2 बराबर -45। देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में चाल कभी नहीं होती, ठीक है, तो ये आपका कुछ नहीं होगा। अब यहाँ जो आपकी रेलगाड़ी की चाल मिलेगी वो कितना मिलेगा, तो रेलगाड़ी की चाल आपको प्लस वाला लेना है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाइज एंड डिस्टेंस का एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम तो आप लोगों को अभी समझा देंगे, समझ जाओगे, बट आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि आप लोगों को बेटर से बेटर समझ में आए। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, बट जो मैं बता रहा हूँ इसको जरूर सॉल्व कर लेना। यहाँ कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और उस ध्वज P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक क्या करना है, एक आपको AB का भवन लेना है तथा VD पर उसका ध्वज लहराना। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम AB, ये ठीक है, AB ये भवन है, ठीक है, ध्यान से समझना, दो उन्नयन कोण है। अगर हम भवन से उन्नयन कोण की बात करें, ये जो भवन से उन्नयन कोण की बात करें तो वो हमारा कितना है, देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ध्वज लहराएंगे। ध्वज, ध्वज का मतलब होता है झंडा। ठीक है, झंडा लहराएंगे। तो यहां से अगर हम इसके उन्नयन कोण की बात करें, यहां से ये, यहां से, ठीक है, ध्वज दंड से, तो इसका उन्नयन कोण जो होता है 45 डिग्री हो जाता है। कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया फिगर। सबसे पहले ये हमारा P बिंदु है, ये A बिंदु है, ये हमारा D बिंदु है, ये पूरा फिगर है। अब हम क्या करेंगे, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब दो कोण हमारे हैं, आपका कोण नंबर फर्स्ट है, एक तो आपका P है, यानी कि देखो APV, ठीक है, और एक हमारा है APD। ठीक है, तो हम लेंगे APD कितना है, 45 डिग्री, और एक हमारा क्या है, APD की जगह B कर दो, क्योंकि APD एक हो गया, APB ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो एक एक को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, नहीं हाँ पी कर दो, पी ए बी में, पी ए बी में, ठीक है, तो यहाँ जो हमें लेना है वो कितना है, टेन 30 डिग्री लेना है, क्योंकि यहाँ हमारा 30 डिग्री है। टेन, देखो ध्यान से, ये हमारा 10 मीटर ऊंचा है ना, सभी को पता है 10 मीटर है ये वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेन क्या होता है, एल ए एल के ये लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है, ए वी, ए एंड वी, और आधार हमारा पी ए या ए पी, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और ए वी हमें 10 दे रखा है, और ए पी या पी ए कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ से पी ए जो होगा वो 10√3 मिल जाएगा। तो इसकी जो हमें लंबाई है ध्वज दंड की जो दूरी है ना वो हमें 10√3 होगा। ठीक है, तो ए पी या पी ए हमें इतना मिल गया। ठीक है, यानी कि भवन की, पी बिंदु से भवन की दूरी इतनी है।
अब देखो इसको आप लोग x मान लो, ठीक है, ताकि ये वाला इसको x मान लो, तो ये तो हमें मिल गया p से भवन की दूरी 10√3 मीटर अर्थात 17.32 मीटर, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ होता है इसकी वैल्यू रूट थ्री की। तो अब देखो यहां से अब हम लोग दूसरा लेंगे, अतः समकोण त्रिभुज पीएडी में, अब यहां टैन 45 डिग्री लगाओगे, 45 डिग्री है ना, यहां आपका लंब जो होगा पूरा होगा ए एन डी, ए एन डी, ठीक है, और यहां आपका आधार है पी ए, पी ए। अब देखो ध्यान से इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये हमें 10 है और प्लस x है क्योंकि मैंने इसको x माना है, तो x बटे पी ए हमारा 10√3 ऑलरेडी है, यहां से हमारा 10x है प्लस x है बराबर 10√3 है, और यहां से x बराबर 10√3 एंड माइनस 10, यहां से x बराबर 10 को कॉमन ले लो √3 − 1, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है, या फिर आप वैल्यू भी रख सकते हो जैसे x 10 इंटू √3 की वैल्यू आप 1.7 −1 करके इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आपको 7.32 आएगा आंसर, या फिर डायरेक्टली यही आंसर लिख सकते हो, ठीक है, बस ये भी लिख सकते हो। तो ध्वज दंड की लंबाई हमें वो कितना मिला है 7.32 मीटर, तो इसकी लंबाई इतनी है, ठीक। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना भी है क्योंकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लगाने का वैसे लग जाएगा। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए वी, इसकी जो जीवा है ए एंड वी है, ए एंड वी के केंद्र पर समकोण बनाती है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करोगे ध्यान से समझो, जो चित्र है चित्र में त्रिज्यखंड आपका कौन सा है, ओ ए एक्स वी, ठीक है, ओ ए एक्स वी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका कैसे निकालोगे, सूत्र आपको पता है क्षेत्रफल का, ए यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो सभी को पता है ये सूत्र। तो देखो सबसे पहले आप वैल्यू रखो थीटा की, आपकी कितनी वैल्यू है थीटा की, वैल्यू 90 डिग्री है क्या, समकोण है ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है और इंटू आर, आर हमारा 10 है तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 × 4 = 36, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 25 और 3.0 देखो 25 का यानी कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 3.14 × 25 करोगे, ठीक है, तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो 78.50 cm², ठीक है, ये हमें मिल जाएगा क्या क्षेत्रफल, ये हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आप देखो इतना आपको पता चल गया, अब त्रिभुज ए वो, ए वो बी का क्षेत्रफल, ए वो बी का क्षेत्रफल, देखो ए, ठीक है,
ए ओ वी का क्षेत्रफल। अब हम इसका क्षेत्रफल देखो, अभी हमने ये पूरे का क्षेत्रफल निकाला है ना, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान से समझना। इसमें भी आपको क्या करना है, एक बटे दो इंटू टेन कर लेना है, बराबर ये आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले ये दोनों आपने ज्ञात कर लिया ना, अब अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का, ठीक है। अब देखो हमें ये पूरा पता चल गया और फिर ये बीच वाला भी पता चल गया, तो अगर लघु का निकालना है तो आप क्या करोगे, ये पूरे में से आप जो ये निकाला है ए ओ बी, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड जो है ओ ए एक्स वी का क्षेत्रफल माइनस करना है त्रिभुज ए नहीं ओ है ए है वी है या ए वो बी दोनों एक ही है ठीक है का क्षेत्रफल, तो माइनस कर लो आपका जो लघु है छोटा सा उसका निकल आएगा, ठीक है। ये लघु वाला, ये नीचे वाला त्रिज्यखंड लघु वाला, ठीक है। और फिर आपको दीर्घ वाला निकालना है तो अभी निकालते हैं। देखो ये आपका 78.50 है, माइनस 50 करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दीर्घ का निकालना है तो क्या करोगे, दीर्घ का क्षेत्रफल देखो कुछ भी नहीं है, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, मतलब पूरे वृत्त का में से आप लघु, देखो पूरे वृत्त का में से आप लघु का निकाल दो आपका दीर्घ का निकल आएगा। तो देखो यहां लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका 314 माइनस 28.5 बराबर 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आप दोनों का निकाल सकते हो, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैथ के मैंने 5 ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस जरूर तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए था, आई होप कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना, ऐसा ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।